भीम ने हनुमान जी के दिए तीन बालों का क्या किया? महाभारत के वन पर्व अरण्यक पर्व में भीम और हनुमान की मुलाकात का एक प्रसंग आता है, जिसमें हनुमान जी ने भीम को तीन बाल केश दिए थे। जब पांडव वनवास में थे, तब भीम एक विशेष फूल की खोज में हिमालय की ओर गए थे। वहां उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा वानर हनुमान जी मिला, जो रास्ते में लेटा हुआ था और पूरा रास्ता घेर रखा था। भीम ने वानर को रास्ते से हटने के लिए कहा, लेकिन वानर ने अपने बुजुर्ग होने का बहाना किया और कहा कि वह अपने पूंछ को हटा नहीं सकता, इसलिए भीम खुद पूंछ को हटाकर रास्ता बनाए। जब भीम ने पूंछ को हटाने की कोशिश की तो वे असफल रहे और उन्हें महसूस हुआ कि यह साधारण वानर नहीं है। तब हनुमान जी ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और भीम को अपने बल का एहसास कराया। हनुमान जी ने भीम को आशीर्वाद के रूप में तीन बाल दिए। इन तीन बालों को तीन प्रमुख गुणों का प्रतीक भी माना जा सकता है, बल, बुद्धि और भक्ति। ऐसा माना जाता है कि भीम ने इन बालों को सुरक्षित रख लिया और ऋषि मृगा को ढूंढने निकल गए। जब वे मिले तो भीम ने उन्हें अपने साथ हस्तिनापुर चलने की प्रार्थना की, लेकिन ऋषि ने एक शर्त रख दी। ऋषि ने कहा कि तुम्हें मुझसे पहले हस्तिनापुर पहुंचना होगा, अगर नहीं पहुंचे तो मैं तुम्हें खा लूंगा। भीम ऋषि से पहले पहुंचने के लिए तेजी से भागने लगे, लेकिन ऋषि हवा की भांति भाग रहे थे। तब भीम को हनुमान जी के दिए तीन बालों की याद आई। कहा जाता है जब ऋषि मृगा भीम के नजदीक आए, उन्होंने एक बाल नीचे गिरा दिया, जिससे लाखों शिवलिंग बन गए। अब ऋषि हर शिवलिंग को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिससे भीम को दूर तक भागने का मौका मिल गया। भीम ने धीरे धीरे तीनों बाल जमीन पर गिरा दिए, जिस वजह से वे हस्तिनापुर पहले पहुंच गए।